सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग और वीडियो। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं जंगल में कुकिंग। तो हम बनाने वाले हैं जंगल में आप सभी की और मेरी फेवरेट मैगी। तो चलो यार, चलते हैं जंगल में और बनाते हैं मैगी। सबसे पहले तो हम लेते हैं सामान जो हमें लेना है जंगल में मैगी बनाने के लिए। मैं अकेला जाऊंगा और साथ में मेरा डॉग जाएगा। तो चलो यार, चलते हैं सीधा जंगल और मिलते हैं आपसे जंगल में। चलो चलते हैं। फिलहाल तो यार अपना सामान लेते हैं, और ये पीछे देख रहे हो आप लोग, ये मेरा घर है, और ये एक्चुअली हमारा जो आंगन है वो है, ये पीछे हमारा घर है। ऊपर से अभी थोड़ा काम चल रहा है, तो नीचे से तो ठीक है। तो चलो अभी यार सामान लेते हैं और चलते हैं सीधा जंगल, और आपको जंगल दिखा देता हूँ मैं एक बार। हमारा घर है गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है जंगल हमारा। देखो जहाँ पर मैं कुकिंग करने की सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, यहाँ पे नीचे, क्योंकि जंगल में तो यार कोई पता नहीं लगता। इधर बहुत ज़्यादा शेर वगैरह रहते होंगे, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे करते हैं कुकिंग। और बाकी ये देखो बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ पे खतरनाक जानवर रहते हैं, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे ज़्यादा दूर, हम यहीं नज़दीक तक जाएंगे। तो चलो चलते हैं फिर और लेते हैं सामान जो हमें लेना है। के सामने की थोड़ी व्यू है, ये देखो आजकल धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकली हुई है। ये देखो ये हमारा ऊपर का है मंजिल जो बन रही है अभी, ये देखो। और सूरज भी आजकल अच्छी धूप दे रहा है। ये देखो भैया, वो सामने आपको जर्मन शेफर्ड दिखाते हैं, ये हमारा ही है। वो देखो दिख रहा होगा आपको वहाँ पे, मुझे तो नहीं दिख रहा यार, धूप बज रही है मुँह पे। ये देखो वो आ गया। तो चलो सामान लेते हैं, चलते हैं। फिलहाल यार गाइस चलते हैं, सामान हमने पैक कर लिया है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में। साथ में लेते हैं इसको, क्योंकि ये ज़रूरी रहेगा, हमें लकड़ियाँ भी जंगल से ही काटनी पड़ेंगी जहाँ पे हम बनाएंगे मैगी। तो चलो फिलहाल यार लोकेशन पे तो हम लोग पहुँच चुके हैं, कुछ इस तरह की लोकेशन है यार, जंगल में आए हैं हम लोग। तो चलो यार अभी बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ पे बनाएंगे हम। तो इस जगह हम लोगों को मिल चुकी है, तो अब हम यहीं पे बनाएंगे मैगी। तो यहीं पे थोड़ा बहुत जंगल है, ये पीछे आप देख सकते हो, आगे भी आपको दिखाता हूँ चलो। लेकिन पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लो, हमारा एक गार्डन है, वो देखो। सो ये है जंगल गाइस, यहाँ पे ये जो पल्लम होती है, पल्लम आपने सुना होगा कई बार नाम, ये उसका पेड़ है। ये देखो हम इस टाइम बहुत ज़्यादा जंगल है, ये घना जंगल। अभी यहाँ पे है हमारा घर, यहाँ पे सामने जा करके हम थोड़ा दूर आ चुके हैं घर से, तो इस तरह की कुछ लोकेशन है। तो चलो यार करते हैं स्टार्टिंग जहाँ पर हम बनाएँगे। तो चलो बताते हैं तो बनाएंगे हम, लकड़ी इकट्ठी करेंगे और यहाँ पर हम बनाएँगे। तो चलो यार करते हैं फिर स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने साफ़ कर दी है जगह, यहाँ पे हम बनाएंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक खड्डा खोदेंगे, एक बार फिर ट्राई करते हैं यार, क्या पता जल जाए आग, क्योंकि यहाँ पे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आग जलती है यार, क्या कर सकते हैं। अब चलो जलाते हैं, देखते हैं। यार गाइज मैंने डिसाइड किया है कि यार हम प्याज काटेंगे उसके बाद हम आग जलाएंगे, क्योंकि पहले आग जला दी तो हमारे पास लकड़ियाँ कम हो जाएंगी। तो पहले मैंने डिसाइड किया प्याज काटेंगे, ये सारा सामान काटेंगे पहले, फिर उसके बाद हम मैगी बनाएंगे। तो चलो प्याज काटते और मिलते।
वैसे एक चीज़ मैं भूल गया यार जल्दी जल्दी में, यार टमाटर ही नहीं आए भाई, यार फोन गिर जा रहा है बार बार, टमाटर ही नहीं आए भाई। चलो प्याज तो कट गए, अब हम करेंगे पहले इसको मैं धो लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं धोने धोने के बाद। चलो यार अभी हम एक काम करेंगे, आग जला लेते हैं बस। फाइनल जाके गाइज अब भी जाके हमारी आग जली है यार, मतलब एक घंटा हो गया यार आग जलाते जलाते। तो चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं, अब बनाते हैं हम अपनी मैगी को, करते हैं शुरुआत। हमने अपना बर्तन रख दिया है, बस हम चलाएंगे। आग हमारी अच्छी जल चुकी है और हमें लकड़ी भी मिल चुकी है इसको इस तरह रखने के लिए, तो इसको तो हमने रख दिया था इस तरह से। चलो फिर से रख देते हैं, ये तो हमने सेट कर दिया, अब हम इसमें अपना काम शुरू करते हैं। तो ये जल चुकी है आग और अभी हम इसमें डालने वाले हैं हमारा, जो कि हमारा भैंस का निकलता है, बढ़िया दूध का बनाया गया है ये, अमूल दूध का, जैसे अमूल वो बनता है ना उनका बटर, वो डाल दिया हमने। एक और डाल देंगे और साथ में एक और डाल देंगे, ये देखो पिघल रहा है, ये देखो भाई। हमने इसमें प्याज डाल दिया है, आप देख सकते हो आग बहुत अच्छी जल चुकी है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगे, तो चलो करते हैं ऐड, बढ़िया हो रही है ये देखो। और यहाँ पे हमने मैगी खोल दी है, मटर डालेंगे थोड़े से। चलो वाह क्या खुशबू आ रही है, वाह भाई वाह। अगर आप लोग गाइस इधर होते, क्या करता हूँ मुँह में पानी आ रहा है, मज़ा आ जाएगा। ओ भाई अगर आप इधर होते तो आपको भी यार क्या ही खुशबू आ रही है यार। थोड़े से टमाटर मैंने बाद को रख दिए हैं, उनको बाद के लगते हैं। और अब हम इसमें डालने वाले हैं हमारा स्पेशल मसाला, जो कि हम घर से प्रिपेयर करके लाए थे। चलो वो भी डाल दिया है, और मिक्स करने के लिए हम कुछ भी नहीं डाले थे, तो हम मिक्स इसी से कर लेंगे। हो चुका है अच्छे से मुस्क, आ हाँ भाई यही खुशबू आ रही है यार। जंगल में पकाने का यार अलग ही वाइब आती है यार, ये देखो अलग ही वाइब यार, अलग ही वाइब। टेस्ट के लिए थोड़ी सी हमने इसमें गाजर डाल दिया, बाकी हमने सलाद के लिए रख लिया है। थोड़ा मसाला रह गया है, उसको बाद में डालेंगे जब पानी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम पानी, जलाएंगे नहीं, पानी डालते हैं। चलो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं यार, और थोड़ा सा पानी और डालते हैं, थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया। अब इसमें मसाले डालेंगे, अब इसमें जाएगी हमारी मैगी। नेक्स्ट मसाला डालेंगे, मसाला भी डाल दिया है, और इधर कचरा हम नहीं फैलाएंगे, कचरा साथ ही ले जाएंगे। तो फाइनली गाइस हमारी मैगी जो है वो बन के हो चुकी है रेडी, और ऊपर से मैंने इसमें डाल दी है गाजर। देखो यार हमारी जो मैगी है वो बन के रेडी हो गई है। मटर डाल देते हैं, और कचरा हम यहाँ कुछ भी नहीं खिलाएंगे, सारा कचरा घर लेके जाएंगे। सौरभ जोशी से इंस्पायर्ड है। देखो यार जंगल में मैगी बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में, लेकिन मुश्किल एक चीज़ ये है कि आपको लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, और ऊपर से आग जलाने के लिए मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो ये चीज़ें अगर अवेलेबल होती भी नहीं है तो आप कैसे आग जलाओगे। चीज़ें तो अवेलेबल होना ज़रूरी है, अगर आपके पास चीज़ें होंगी तो आप आग जला सकते हो,
अगर आपकी आग जल गई तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आग लगानी होती है जंगल में तो एक चिंगारी काफ़ी होती है, आग लग जाती है। ऐसे आग लगती नहीं है जब हम लगाते हैं यार आग, जंगल में आग अचानक से एकदम से लग जाती है एक चिंगारी से। और यहाँ पे तो देखो यार, यहाँ पे ऐसे आग जल ही नहीं रही है। तो चलो, आजकल वैसे भी सर्दी है, गर्मी में तो लग जाती है, सर्दी है तो थोड़ा कष्ट सहना पड़ा मेरे को एक घंटे का, डेढ़ घंटे का। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने टाइम नहीं गिना, एक घंटे से ऊपर ही हो गया होगा, डेढ़ घंटे से दो हो गए होंगे। चलो अभी जब खाते हैं तब खाएंगे, तब आपके साथ मिलेंगे। तो चलो यार इसको निकालते हैं, थोड़ा और उबलने देते हैं इसको, फिर निकाल देते हैं। फिलहाल हमारी मैगी बन के तो तैयार हो गई है यार, क्या करूँ यार गाइस, आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा हो तो क्या कर सकते हैं। आप ये देखो यार, संतरे भी लगे हुए हैं यहाँ पे, अगर खाने किसी को तो खा सकता है यार, लेकिन यहाँ पे अपने हैं ये, कोई भी ले सकता है, यहाँ पे अपने ही हैं ये, कोई भी ले सकता है। लेकिन यार आपको कैसे दूँ मैं, अब आप देख रहे होते तो आपको दे देता मैं। ये देखो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई यार, चलो इसको होने देते हैं। गाइस थोड़ी सी टेस्ट की है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है यार। इसके नीचे देखा जाए तो अब अच्छी आग जल चुकी है, देखो ये देखो। बहुत ज़्यादा उबल रही है, चलो यार अब इसको प्लेट में डालते हैं तो फिर खाते हैं। चलो मैगी हो चुकी है, मैंने सूखी सूखी बनाई है, तो चलो अब डालते हैं उसको प्लेट में। गाइस करेंगे टेस्ट, बहुत अच्छी बनी है। और जो पिपली थी वो मेरे को लगता है, पिपली मतलब मिर्ची, जो मेरे को लगता है मेरे मुंह में आई है बस, वो जो डाली थी मैं ही तो मजर के लगाने वाला, कोई नहीं है साथ में घर में, सभी भाई है वो स्कूल गया, बहन भी स्कूल गई है, तो मेरे साथ कोई नहीं था। सो गाइस यार अभी तो हम खा पी चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैगी थी यार, क्या बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ यार शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। तो अभी ये सब कुछ हमने पैक पुक कर लिया है, और यहाँ पे ट्राइपॉड है मेरा, तो यहाँ पे हमने आग उग सब बंद करके जाएंगे हम इधर से, तो कोई भी हम इधर कचरा कुचरा नहीं फैला रहे हैं गाइस। तो अभी बस हम चलेंगे और इस ब्लॉग को भी एंड करेंगे। सो आई होप अगर आपको ये ब्लॉग और वीडियो अच्छी लगी होगी कुकिंग की, तो हम और भी गांव में जो जंगल में जाते हैं उन वहां पे वीडियोस हम आपके लिए बनाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।